हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये कैट देखिए गाइस कैसा लग रहा है कलर, ये सोच रहा हूँ ये ले लूँ, ये ट्राई किया हमने। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आज मेरा लिए कुछ स्पेशल डे था, बट स्पेशल रहा नहीं क्योंकि सभी फ्रेंड्स ने मेरे को धोखा दे दिया। और मेरे रूम पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि भैया मेरे को किसी काम से जाना है, मैं जिसके भरोसे था आनंद, आनंद ने बोला कि भैया आज मैं नहीं आ पाऊँगा। बट आज स्पेशल ये है कि आज मेरा बर्थडे था, बट अकेले क्या करूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बर्थडे को अकेले इंजॉय करने के लिए, इसीलिए निकला हूँ। लेते हैं केक, फिर केक लेके मैं जाऊँगा शांतिलाल रेस्टोरेंट। घर से निकलते मुझे सरस्वती माँ का प्रसाद मिला, इसको खा के फिर जाऊँगा मैं केक लेने। देखिए गाइस मैं केक की शॉप पे पहुँच गया हूँ, बस जल्दी से अपने लिए केक लेते हैं। अपना केक ले लिया, आज पहली बार खुद से केक खरीदा और खुद से काटना है, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बट कोई नहीं, खुश रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना अकेले। इसके बाद आज खुद से गिफ्ट भी लूंगा अपना, ताकि मुझे अकेलापन फील ना हो। ऑटो ले लिया, पहुँचते घर पे काटने में ऑड सा लग रहा था, सोचा रात का खाना भी खा लूँगा, इसीलिए रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहीं पे केक भी कटिंग करूँगा अकेले। चलिए अकेले ही चलाया अपने बर्थडे मनाने, क्या करूँ, खुद को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज कोई नहीं है, लेकिन सोचा कि अकेले ही मनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहुँच गए हैं शांतिलाल राजा पुल पे, ये देखिए मस्त रेस्टोरेंट, यहीं सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे आज। इसी रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं अपना अकेला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और ये दूसरे भी आए हैं। तो अपना केक निकालते हैं, ये भैया का, भैया ने मेन्यू दिया हमको, ठीक है भैया केक कट कर लेते हैं फिर आपसे नहीं मिलते। और ये मतलब पहली बार कैसा लग रहा है, खुद केक खरीद के लेके आए, खुद कटिंग कर रहे हैं, यार बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बट ठीक है, खुद को खुश रखने के लिए तो करना पड़ता है, कोई नहीं है तो, नहीं तो विनय आनंद आता तो और अच्छा लगता, बट कोई नहीं। देखिए कितना स्वीट एंड प्यारा केक खरीदा मैंने खुद के लिए, ऐसे ये मेरा पहला सोलो बर्थडे मना रहा हूँ मैं, नहीं तो मैंने अभी तक फुल अपनी फैमिली के साथ ही अपना बर्थडे मनाया था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम सोलो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वाट ये जो कैंडल्स है ना, हर बार कोई और लगाता था, बट मैं इस बार खुद लगा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइए किस किस ने अपना बर्थडे अकेले मनाया, मन नहीं था लेकिन फिर भी खुद को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसीलिए सोचा कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो क्या हुआ, अकेले मनाने का एक अलग ही, पहली बार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। पता है क्या, ऐसे जो लड़के होते हैं ना, उनकी उनके ब्लॉग्स तो लोग बहुत देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बट जो लड़के होते हैं ना वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो प्लीज़ गाइज जिस जिसको वीडियो पसंद आए ना, वो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कैंडल जला लेते हैं अकेले, हर बार तो ये घर वाले जलाते थे, इस बार खुद से ही ट्राई हो रहा है ये सब। और पता है क्या, एक बात तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं अकेला फील ना कर पाऊँ, और आप लोगों का इसीलिए मेरे को सपोर्ट प्यार चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ पटना में फिलहाल, और बहुत बोर हो गया हूँ अकेले रह के, इसीलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा बर्थडे कैसा लगा, और खुद से ही बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किसी से उम्मीद नहीं करनी, खुद से खुश रहना सीखो, और सबको बोलता हूँ सब बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, और मैं अपना हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा
हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये कैंडल क्यों नहीं बुझ रही, ये कैप कहाँ है मेरी? और ये सबकी कैप पिना देते हैं, नहीं तो ये बुझेंगी नहीं, सारी बुझ गई। ये बार बार जो कैंडल जल रही है ना, इसका कैप नहीं लगाऊंगा ना जब तक ये जलती रहेगी, क्योंकि ये मैजिक कैंडल है। और जैसे कि जब मेरे को वीडियोस पे लाइक आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए। और आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, विद इन 2 or 3 days के अंदर मैं दिल्ली जाने वाला हूँ अपने घर। आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा, अपने हिमांशु, अनुष्का सबसे मिलवाऊंगा आपको। और जो एक सबसे प्यारी चीज़ है मेरे पास, मेरी लेम्बोर्गिनी, मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए केक कट करते हैं। इसी से काटेंगे इसको बस। मगर मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अकेला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज पता है क्या, मैं अपने लिए गिफ्ट भी खरीदूंगा अकेले, क्योंकि अब अकेले रहना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पटना में मैं अकेले रहता हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं अपना सारा काम, झाड़ू बर्तन पोछा खुद से करता हूँ, यहाँ तक कि अपना खाना भी, अपना ब्रेकफास्ट भी खुद से बनाता हूँ। तो फिर केक के लिए क्यों किसी के लिए वेट करना। और ये मैंने अपना केक कट किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अकेले। और ये जो भी केक है मैं खुद खाऊंगा ना। खुद लगा भी देता हूं तभी ना अच्छा लगेगा। टेस्टी है। अभी हम सारा केक रेस्टोरेंट वाले भैया को दे देंगे, वो लोग खाएंगे, लेकिन मुझे बहुत मजा आया अकेले। ठीक है, आप अपने लिए कुछ ट्राई करते हैं, कुछ मंगाएंगे, केक कटिंग हो गई पूरी, तो प्लीज जरूर सपोर्ट करें, जरूर। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। पहली बार कोई लड़का अपना अकेला बर्थडे मना रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि आज मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करी कि नहीं, चलना है, अकेले बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले बनाओ, अच्छे से इंजॉय करूंगा आज का डे। ऑफिस से आया, झटपट तैयार हुआ, फिर केक लेने गया, केक लेके अभी आपके सामने केक कटिंग करा है। ये रेस्टोरेंट का नाम है, भूल गया क्या नाम है, वेज रेस्टोरेंट का नाम क्या है, शांतिलाल। ये शांतिलाल रेस्टोरेंट में आया हूँ, और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है इसीलिए मेरे को, और ये पटना का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो राजा पुल के पास है, ठीक, KFC के पास, इसीलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। भैया बहुत शर्मा रहे हैं, भैया आप देखा, आज मैंने अपना बर्थडे भैया रेस्टोरेंट भैया के साथ सेलिब्रेट किया, कैसा लगा भैया आपको? बहुत बढ़िया। कि कैसा है? अच्छा है ना, अब अकेला हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ ही चलो एंजॉय करो अपने बर्थडे को, इसीलिए। और भैया ये जो भी केक है ना, ये सभी को दे देना, जितने भी लोग हैं अपने स्टाफ में, अपना ही रेस्टोरेंट है घर की तरह। ठीक है भैया, ठीक है भैया। शांतिलाल स्पेशल थाली है और उसका टेस्ट भी बताएंगे आपको। बट आज यार ये जो अकेला बर्थडे बनाया ना मैंने, बस कुछ नहीं, अपने आप को खुश रखने के लिए। और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैंने सोचा कि ठीक है शेयर किया जाए आपसे, खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने अपना केक खुद खरीदा है लाइफ में, फर्स्ट टाइम। बताइएगा इस, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था यहाँ पर आके, क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता था, फिर मैं दिल्ली से पटना आ गया जॉब के कारण, और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था अपना अकेलापन दूर करने के लिए, कि मेरी एक नई फैमिली बने। तो ये भैया हमारे लिए खाना ले आए, हमें ये अचार आया है, ये मिठाई आई है स्पेशल, और ये हमारी स्पेशल थाली लग गई, ठीक है, और रोटी आ रही है। ये मेरा पूरा आज रात का खाना लग गया, ये मेरी चपाती, ये अचार, पापड़, देखिए क्या मस्त लग रहा है, इसमें रखते हैं इसको, चावल दाल, और ये मस्त स्वीट्स, इसको साइड में रख देते हैं, पहले खाना खा लेंगे, इसको लास्ट में खाएंगे। और आज खाना खाते खाते मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ब्लॉगिंग चैनल मैंने स्टार्ट किया ना,
मैंने सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए किया। जो मैं दिल्ली से यहाँ पे आ गया पटना में, तो मैं अकेले रहने लग गया। ये भैया कुछ और लेके आए हैं बीच में, मेरे रायता, ये भैया रायता लेके आए, थैंक यू। तो जब मैं यहाँ पे अकेले रहने लग गया तो मेरा मन ही लगता था, मैं पूरे टाइम बोर होता था बैठ के। फिर मेरे दिमाग में नया आइडिया है, मेरा एक फ्रेंड है विनय आनंद, उसने मुझे बोला यार तू बहुत अच्छा ब्लॉग कर सकता है, तू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। लेकिन मैंने उसके कहने पे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वीडियोस पे व्यूज उतने नहीं बढ़ रहे हैं। शायद मैं लड़का हूँ इसलिए, या मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉगिंग से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और मैं एक नई फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आज मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद। मैं अकेले बर्थडे मना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है कि अपने मैं देखो इन्जॉय करना चाहता हूँ। और आप लोग भी मेरे से मोटिवेट होइए, अकेले कभी नहीं हिम्मत हारनी है। आज ना सोलो बर्थडे मनाया मैंने अपना अकेला, लेकिन ना बहुत मज़ा आया। तो खाने का टेस्ट ना भैया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि अभी तक का सबसे टेस्टी खाना पटना का। कभी भी आप राजा पुल के पास हैं शांतिलाल में आके शांतिलाल स्पेशल थाली ऑर्डर कीजिए, बहुत टेस्टी है। इनका एक एक सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट है। खाना कंप्लीट करके कुछ मीठा खा लेते हैं। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, एंड दबा के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? बाय बाय। ऑनर है शांतिलाल के, वो आप लोग जरूर, जो लोग भी पास में ना, और मैं आप लोगों को पॉजिटिव रिव्यू दूं, हरिलाल से बेस्ट है शांतिलाल, दूसरा नाम। मैं लोकेशन भी टैग करूंगा। बहुत बढ़िया टेस्ट था, ऊपर पूरा रेस्टोरेंट बैंकेट है। जो कोई भी पटना में और बोरिंग रोड के पास हैं, या चौराहा पे हैं, या राजा पुल के पास है, जरूर एक बार शांतिलाल ट्राई करें। देखिए गाइस, मस्त अपना अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं पटना के PNA मॉल आया हूँ अपने लिए कुछ गिफ्ट लेने। देखता हूँ क्या पसंद आता है मुझे, चलते हैं एंट्री लेते हैं अंदर। ये ना PNA मॉल मस्त, देखेगा मस्त लग रहा है, पूरा डेकोरेट किया। इनको लग रहा था कि मेरा बर्थडे है, इनको भी पता था क्या? चलिए सोच रहे जीन्स ले लो, मेरे पास जीन्स नहीं है भैया। जीन्स मिल जाएगी आपके पास? हाँ दिखाइए ना थोड़ा, नेवी ब्लू कलर, रॉयल ब्लू सॉरी। ये ट्राई कर रहे हैं और एक ये जीन्स अपने लिए। भैया से कैमरा पकड़वाया, कैसा लगेगा ये भैया? अच्छा लगेगा सर, पहन सही लगेगा सर, ट्राई करके देखो पूरा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली देखिए ट्राई करके। ये जीन्स देखिए गाइस कैसा लग रहा है कलर, ये सोच रहा हूँ ये ले लूँ, ये ट्राई किया हमने। ये जीन्स, ये शर्ट, शर्ट तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और ये जीन्स पूरा। दो जीन्स ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इसमें से कोई भी एक फाइनल करते हैं। फाइनली गाइस शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद चलते हैं घर। बहुत मज़ा आया अपना सोलो बर्थडे मना के, इन्जॉय किया मैंने, ठीक है? चलिए गाइस घर पहुंच गए हैं, और आप लोगों को मेरा सोलो बर्थडे कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।